हम एक बार फिर से आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में तीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस किया था हमने। उसके बाद वन बाय वन एक्टिविटी के साथ हम चल रहे थे। पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक ये बताया था पार्टिकल्स का, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। दूसरा, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करता है। तीसरा, पार्टिकल्स जो है अट्रैक्ट करता है इस एक दूसरे को, जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर। तो अब हमने दोनों डिस्कशन किया था। पहला डिस्कस किया था एक्टिविटीज़ के साथ कि पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन देम। दूसरा डिस्कस किया पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ के साथ। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी बुक को खोले रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर। इसी सेंटेंस को, या समझ लीजिए कि इस ये जो कथन है जो कहा गया है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसको कैसे समझाया है एनसीईआरटी ने एक्टिविटी के माध्यम से, वो देखते हैं। एक्टिविटी 1.6, उसमें मेंशन है ह्यूमन चैन। उसमें ये है कि एक आदमी दूसरे, तीन तरह का ग्रुप है। एक ग्रुप इस तरह से कमर में हाथ देकर एक दूसरे को, इधर भी कमर में हाथ देकर एक आदमी को, और फिर वो आदमी हमारे कमर में हाथ देकर, फिर इस तरह से दो आदमी और कमर में हाथ देकर पकड़े हुआ है हाथ से स्ट्रांगली टाइट, समझ गए किस तरह से पकड़े हुआ है। ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप हाथ से सिर्फ पकड़े हुआ है एक दूसरे को, इस हाथ से। तीसरा ग्रुप उंगली से पकड़े हुआ, यानी ये उंगली, सिर्फ उंगली सटी हुई, ये उंगली मेरी उस आदमी से टच है और ये उंगली उस आदमी से टच है, टच नहीं मतलब पकड़े हुआ उंगली से। ये तीन ग्रुप हो गए। एक तो हाथ से पकड़ा हुआ था यानी इस हाथ से, दूसरा ग्रुप एक कमर में लेकर पकड़ा हुआ था, तीसरा ग्रुप। पहला ग्रुप कमर वाला, दूसरा ग्रुप हाथ वाला, हाथ से पकड़े हुआ, तीसरा ग्रुप उंगली से, फिंगर से। तो चौथे ग्रुप को बोला गया कि चौथा ग्रुप अब तीनों ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करे, दौड़ता हुआ है और तीनों को तोड़ने की कोशिश करे। तो आप ही सोचिए कि जो उंगली से पकड़े हुआ होगा उंगली से, और जो हाथ से पकड़े हुआ होगा, और एक कमर में पूरा डालकर, कमर में हाथ डालकर दोनों एक दूसरे को पकड़े हुआ होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? जो कमर डालकर, कमर में हाथ डालकर पकड़े हुआ होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कमर में हाथ डालकर जो पकड़ा हुआ होगा, आप भी अगर एक दूसरे को कमर में हाथ डालकर पकड़ेंगे तो वो मजबूत होता है, वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। फिर उससे कमज़ोर कौन होगा? जो हाथ से पकड़े हुआ है। और सबसे कमज़ोर कौन होगा? जो उंगली से पकड़े हुआ है। तो उंगली वाला जो है वो जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड, उंगली वाला जो बॉन्ड है ये जल्दी इसको तोड़ देगा, जो चौथा ग्रुप है दौड़ता हुआ आएगा और इसको टकरा कर तोड़ देगा। और फिर दूसरा जो ग्रुप है वो थोड़ा सा उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा। और फिर वो जो पहला ग्रुप है जो कमर में पकड़े हुआ है, उसमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, वो टूटेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी तब जाकर वो टूटेगा। तो इस एक्टिविटी को समझाया गया है ह्यूमन चेन गेम के माध्यम से। हम जो है निष्कर्ष निकालेंगे इस एक्टिविटी का, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ें जितना स्ट्रांगली बॉन्ड होती हैं, मतलब आपस में जो जितना ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है मजबूती के साथ,
वो उतना मुश्किल से टूटता है। जो चीज़ जितना मुश्किल से जुड़ा हुआ, बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, वो बहुत मुश्किल से टूटता है। यानी पार्टिकल्स जितना टाइटली बाउंड होगा, स्ट्रांगली बाउंड होगा, उसे तोड़ने के लिए बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुई है, मतलब एक फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट किए हुए जोड़े हुई है, एक फोर्स है जो उस पार्टिकल्स को जोड़े हुई है। तो ये पहला एक्टिविटी। दूसरे एक्टिविटी के बाद के पास चलते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे एक्टिविटी में एक्टिविटी 1.7, आयरन ने पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड लिया। कोई रबर बैंड ले लीजिए, तीन चीज़ लिया, आयरन नेल यानी लोहे की कांठी, कांठी बोलते हैं, कील, लोहे की कील, और एक टुकड़ा ले लीजिए चौक का, और एक रबर बैंड ले लीजिए। अब उसको आप हथौड़ा लीजिए, हैमर, हैमर से ब्रेकअप करने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा? आयरन नेल में बहुत टाइम लगेगा उसको तोड़ने में, लेकिन चौक फटाक से टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा चौक। और रबर और भी आसानी से टूट जाएगा। तो क्या देखा कि जो अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ये जो हमने प्रैक्टिकल किया, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि लोहा तो बहुत, लोहा जो टूट नहीं टूट रहा है, लोहा को हैमरिंग कर रहे हैं और बहुत टाइम ले रहा है टूटने में, तो उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है। यानी वो आपस में एक दूसरे को जो अट्रैक्ट किया हुआ है, जो पार्टिकल्स जो आपस में जुड़ा हुआ है, जो अट्रैक्ट किया हुआ है, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसीलिए वो टूट नहीं रहा है। और चौक में क्या है कि उससे थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, वो पार्टिकल्स जुड़ा तो हुआ है लेकिन वो कमज़ोर है, इसलिए वो टूट जा रहा है। लेकिन फिर भी वो एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है, एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है। तो रबर में भी यही है। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स जो है वीकली जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रांगली वीकली, यानी एक स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है आपस में पार्टिकल्स, दूसरा वीकली जुड़ा हुआ था, बहुत कमज़ोर होता है, उसको तोड़ना आसान होता है, पार्टिकल्स को अलग करना आसान हो जाता है। ये इससे निष्कर्ष निकलता है। अब देखिए तीसरा एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.8, ये टैप वाटर, आप जाइए घर में, टैप खोलिए और उस टैप में आप उंगली, जो उंगली डालिए, फिंगर कीजिए, तो उसका एक स्ट्रीम बनेगा। पहले तो आप टैप से जो वाटर निकल रहा होता है, एक स्ट्रीम है, मोटा स्ट्रीम, एक साथ पानी निकल रहा होता है उसके साथ, अब उसको आप ब्रेकअप करने की कोशिश कीजिए, उंगली से ब्रेकअप करने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या देखेंगे आप ये देखते हैं कि पानी जो है वो उसका स्ट्रीम अलग अलग तो हो रहा है, स्ट्रीम बन रहा है, मतलब धाराएं पानी की जो हैं वो पतली हो गई हैं, जो पहले मोटी धारा निकल रही थी, अब आपने उंगली लगाया तो उसमें पतली पतली धाराएं पानी की हो गई, ठीक है, तो उस धारा तो हो गई है लेकिन वो पानी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा है, कट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है, पानी जो भी है, वाटर का जो पार्टिकल्स है वो एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है। तो इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समझते हैं इस एक्टिविटी से, क्या कंक्लूजन निकलता है फाइनली? आप भी इस पर अगर ध्यान देंगे, इस एक्टिविटी पर जो हमने अभी डिस्कस किया, बहुत ही आसान है समझना। एक तो समझने बात आई कि पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, वीकली भी बॉन्डेड होता है, लेकिन यहाँ टैप वाटर वाला जो मामला है उसको आप देखिएगा, तो यहाँ भी पार्टिकल्स जो है वो, बात तो पार्टिकल्स की यहाँ भी है लेकिन वाटर का जो पार्टिकल्स है
उसको हम कट करने की जो कोशिश कर रहे हैं तो वो कट नहीं हो रहा, बल्कि एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल ही बिखर नहीं रहा। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला। अब हम आगे की तरफ, जो इसका फाइनल निष्कर्ष है कि इस तीनों एक्टिविटी से क्या हम समझे, उसको हम बताएंगे। ओके, तो चलते हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा था एक्टिविटी का कंक्लूजन, जो एक्टिविटी हुआ। अब आप भी समझ चुके होंगे कि क्या उसका निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन होगा। तो इस एक्टिविटी से यही पता चलता है कि ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, जिसके बारे में हमने लिखा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है 1.2, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर स्ट्रॉन्गली एंड वीकली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर स्ट्रॉन्गली एंड वीकली, मतलब एक फोर्स है, पार्टिकल्स का फोर्स है जो पार्टिकल्स को एक साथ रखे हुआ है, स्ट्रॉन्गली भी और वीकली भी, मजबूती के साथ और कमजोरी के साथ। मतलब कुछ बहुत ज्यादा टाइटली है, जैसे नेल का बताया, चॉक का कमजोर है, रबर का और भी ज्यादा कमजोर है, वीकली बॉन्डेड है इस तरह से। जैसे ये पेन है ना, देखिए इसका स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है पार्टिकल्स बिल्कुल, लेकिन अगर हम ले आएंगे इसी पर थोड़ा सा चौक, तो चौक इससे थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, रबर ले आते हैं उससे थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। अब ये जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, जो अट्रैक्शन हो रहा है, वो चेंज करता रहता है मैटर टू मैटर। जैसे नेल का अलग होगा, फिर चौक का अलग होगा, रबर का अलग होगा, इस तरह से मैटर टू मैटर ये चेंज होता रहता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चंस को करेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चंस, फोर क्वेश्चंस मेंशन है, उस क्वेश्चंस को हम कराएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को, इस क्लासिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। आइए क्वेश्चंस नंबर वन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उसमें मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। देखिए, चेयर किसी भी चीज का बनेगा, प्लास्टिक का बन सकता है, चेयर लकड़ी का बन सकता है, वुड का बनेगा, चेयर आप आयरन का भी बना सकते हैं, लोहे का भी बना सकते हैं। तो ये चेयर जिस चीज़, ये जो बना होता है, ये किसी न किसी मैटर का बना होता है, और मैटर बना होता है पार्टिकल्स का। तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। चेयर क्या हो गया, मैटर। एयर की बात कर लेते हैं, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो भी क्या है, पार्टिकल्स से बना हुआ है, वो भी एक मैटर हो गया, एयर मैटर हो गया, तो एयर भी मैटर है। अब आइए, लव, प्यार, ये एक इमोशन है, तो ये मैटर नहीं है। इमोशन मैटर नहीं होता है, इमोशन कोई किसी पार्टिकल से नहीं बनता है। ठीक है, आइए उसी के बाद, तो ये हो गया कट, ये मैटर नहीं है। स्मेल, ये सेंस है, एक सेंस है, तो सेंस जो होता है, स्मेल को हम सेंस करते हैं सेंसरी ऑर्गन से, जैसे सेंसरी ऑर्गन से किसी चीज़ को स्मेल करना, तो वो मैटर नहीं होता है स्मेल करना। हाँ, स्मेल ऑफ परफ्यूम, किसी परफ्यूम को अगर स्मेल करें, तो परफ्यूम हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गया, तो पार्टिकल्स से ही मैटर बनता है, तो ये मैटर हो गया, लेकिन स्मेल जो है मैटर नहीं है। हेट, ये भी इमोशन का पार्ट है। ठीक है, यानी नफरत कर रहे हैं, तो नफरत करना, मोहब्बत करना और स्मेल करना, ये सब मैटर नहीं है। एलमॉन्स, ये फल का नाम है, तो ये भी मैटर है। बताया था मैंने कि
ये फाइनली जो है अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स पार्टिकल से बना, मैटर पार्टिकल से बना होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैटर है एलिमेंट्स। थाउट, आप क्या सोच रहे हैं, आप हमारे आपके ब्रेन में क्या थाउट है, जो भी सोच रहे हैं, तो वो एक अलग सी चीज़ होती है, उसको जो है वो मैटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमारी सोच जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं है, वो अलग सी चीज़ है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए थॉट्स। कोल्ड, तो ये भी सेंस है, हॉट कोल्ड, ये जो सेंस है स्किन से सेंस करते हैं, सेंसरी ऑर्गन से, कि कोई चीज़ ठंडी है कोई चीज़ गर्म है, तो ये भी मैटर नहीं होगा। ओके, तो ये भी कट गया। कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक पीने की चीज़ है, उसमें शरबत समझ लीजिए उसको, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, तो वो मैटर है, वो भी पार्टिकल से बना हुआ है, कोल्ड ड्रिंक होगा, ये मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, हाँ परफ्यूम्स को आप स्मेल कर रहे हैं, बिल्कुल है, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, तो परफ्यूम्स का जो स्मेल लेंगे हम, तो ये परफ्यूम्स हमारा मैटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर टू, गिव रीजन A smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. गरम खाने खाने की जो खुशबू है, जो फ्रैग्रेंस है, वो दूर से ही स्मेल पता चल जाता है, लेकिन जो कोल्ड फूड है, जो ठंडा खाना हो जाता है, उसका जो फ्रैग्रेंस है, उसका जो स्मेल है, वो हमको पाने के लिए बहुत ही करीब जाना पड़ता है फूड के। तो क्यों ऐसा होता है, इसकी वजह बतानी होगी। हमने आपको बताया था जब करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स पढ़ाया था कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करता है, और उसमें मैंने एक एक्टिविटी बताई थी जिसमें कॉपर सल्फेट जो है वो गर्म पानी में डाल दिया तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, और कॉपर सल्फेट कोल्ड पानी में डाल देते हैं तो जल्द बहुत देर से डिसॉल्व होता है। तो उसकी वजह ये थी कि पार्टिकल्स तो मूव करता है कंटिन्यूसली, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी जिसका टेम्परेचर हाई होगा, जैसे गर्म खाना है तो गर्म खाने से जो फ्रेग्रेंस निकल रहा है उसकी काइनेटिक, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो मूव करेगा सेवरल मीटर्स, बहुत दूर तक मूव करेगा। और ठंडे खाने का जो फ्रेग्रेंस है वो, उसका जो पार्टिकल्स है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है नहीं, उस खुशबू तो उसमें भी है लेकिन उसकी उसके फ्रेग्रेंस, उसका जो स्टीम निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है गर्म खाने से भी, कोल्ड खाने से स्टीम समझिए कि ना के बराबर नहीं निकल रहा है, उसमें पार्टिकल्स निकल ही नहीं रहा है, इसलिए कि उस टाइम ठंडा है, ठंडा पड़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं उसके अंदर, एनर्जी है नहीं कि वो मूव कर सके, इसलिए बहुत ही करीब जाना पड़ता है उसके लिए। तो उसका रीज़न ही यही है, हमने जो लिखा है उसका रीज़न कि पार्टिकल्स ऑफ फ्रेग्रेंस कमिंग आउट फ्रॉम हॉट सीजनिंग फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हेंस इट मूव सेवरल मीटर्स। जो पार्टिकल्स गर्म खाने से निकल रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो मूव करता है दूर तक, और इसलिए हमें दूर तक उसका स्मेल महसूस होता है। ओके तो अब ये क्वेश्चन नंबर थ्री, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। हम देखते हैं कि जो डाइवर है स्विमिंग पूल में जो तैरता है, स्विम करता है कोई भी, तो पानी को क्या करता है, काटता है अपने हाथों से और पैर से पीछे की तरफ धक्का देता है, और वो स्विमर जो डाइवर होता है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, अंदर की तरफ बढ़ता रहता है या स्विम करता रहता है, यूँ कह लीजिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वाटर को कट करना कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बताना है, इस ऑब्जर्वेशन को पता करके कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब
हम स्विम करते हैं या कोई भी स्विम करता है तो पानी को क्या करता है, वो पानी उसके सामने है, पानी वो कट करते हुए इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है और पानी भी जो है वो पीछे की तरफ, एक फोर्स होता है उस फोर्स के साथ पीछे चला जाता है और उसके अपोजिट जो है वो स्विमर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो हमें अब इस ऑब्जर्वेशन से पता करना है कि प्रॉपर्टी कौन सी मैटर की है। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पानी के जगह पर अगर पानी थोड़ा पतला होता है, मस्टर्ड ऑयल, इमेजिन कल्पना कर सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जो खाने का वेजिटेबल ऑयल्स होता है वो पानी से गाढ़ा होता है, तो पानी से गाढ़ा होता है वेजिटेबल्स ऑयल और उसमें अगर कोई डाइवर स्विम कर रहा है, कोई भी स्विमर स्विम कर रहा है, तो किसमें आसानी से स्विम करेगा, पानी में या फिर वेजिटेबल्स ऑयल्स वाले स्विमिंग पूल में? ऑब्वियसली पानी में करेगा, क्योंकि पानी पतला होता है और वो गाढ़ा होता है। अब तीसरा एग्जांपल, कीचड़ हो, ढेर सारा कीचड़ वाला स्विमिंग पूल में कीचड़ हो, जिसको दलदल नुमा समझिए, क्या दलदल जो मिट्टी पूरी भरी रहती है और पानी भी होता है उसमें, उसमें स्विम करना आसान है या पानी वाले में स्विम करना आसान है? ऑब्वियसली पानी में स्विम करना आसान होगा, कीचड़ वाले में स्विम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि पानी का एग्जांपल मैंने दिया, फिर तेल का एग्जांपल दिया, वेजिटेबल ऑयल जो गाढ़ा होता है उससे भी गाढ़ा हमने दलदल जो मिट्टी नुमा कीचड़ जो होता है उसका एग्जांपल दिया, तो ऑब्वियसली कीचड़ में बहुत मुश्किल हो जाएगा तैरना। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि कीचड़ में जो पार्टिकल्स है बहुत ही टाइटली बॉन्ड है, उसमें स्पेस कम है। लेकिन वाटर में आप देखिए, वाटर का जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस ज़्यादा है, तो उसको इजीली कट करना आसान हो जाता है। लेकिन कीचड़ दलदल में कट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स, तो इसमें कौन सी बातें सामने आई, आंसर कैसे दे पाएंगे इस क्वेश्चन का, कौन सा करेक्ट मैटर का कौन सा करेक्टरिस्टिक आया? पहला करेक्टरिस्टिक तो ये आया कि मैटर हैव पार्टिकल्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ये करेक्टरिस्टिक आई। दूसरा करेक्टरिस्टिक में ये आएगा कि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा एक साथ रहना चाहता है, यानी अट्रैक्ट इच अदर। तो दोनों मैंने समझा दिया है आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज रिमेन टुगेदर, दैट मीन्स पार्टिकल्स अट्रैक्ट इच अदर, ये इसका करेक्टरिस्टिक है। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इतना भी आंसर काफ़ी है। लेकिन मैंने इसमें दोनों चीज़ें आपको एग्जाम्पल देकर बताया है कि स्पेस भी है और प्लस पार्टिकल स्ट्रांगली बॉन्डेड भी है, दोनों अट्रैक्ट एक फोर्स से जो है बॉन्डेड होता है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा स्पेस कम होगा तो उसमें तैरना मुश्किल हो जाएगा। इन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कीचड़ वगैरह में तैरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पानी में तैरना आसान हो जाता है क्योंकि पानी का जो पार्टिकल्स है उसके आपस में स्पेस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही आसान है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैंने आपको बड़े ही अच्छे से एक्टिविटी के साथ बता दिया और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर एक्टिविटी याद होगी। पहला था क्या, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग, तीसरा कौन सा था, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं, याद रखिएगा एक्टिविटी के साथ। अब ये जो टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर समाप्त हो गया है। अब आगे का टॉपिक्स हम कवर करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस,
और फोर्थ स्टेट भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे फायर के बारे में, फायर से शुरू करेंगे और फिर एक्चुअली वो फायर जो है प्लाज्मा की शक्ल कैसे ले लेता है। फोर्थ स्टेट आपके इसमें डिस्कशन है प्लाज्मा स्टेट का, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे इस क्लासिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।